हमने स्किन पे सब कुछ लगा लिया लेकिन अभी भी हमारी स्किन डल है स्किन पे कोई ग्लो नहीं है हम क्या करें यही तो प्रॉब्लम है कि आपने स्किन पे सब कुछ लगा लिया अंडरस्टैंड कि ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाना भले वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हों ड मीन कि आपकी स्किन पे ग्लो आएगी अगर आप अपने स्किन को ओवरलोड कर दोगे किसी भी ज्यादा प्रोडक्ट के साथ तो आपकी स्किन और डल हो जाएगी और आज हम इसके बारे में बात करेंगे मैं दूंगी डल स्किन को करेक्ट करने का पूरा का पूरा स्किन केयर रूटीन हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन मेरा नाम है निपुन आपकी स्किन केयर बेस्टी सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट आज की वीडियो डेडिकेटेड है टू दिस वन वेरी कॉमन क्वेश्चन

अब प्रॉब्लम आती है कि आप देखते हो कि नाया आपको लगता है कि नाया अमेजिंग है, सी अमेजिंग है, पर निपुन तो कहती है एंटी एजिंग के लिए अब चलो उसको भी लगा लेते हैं जब एक रूटीन में आपके पास तीन से ज्यादा ट्रीटमेंट होती है विटामिन सी पेप्टाइड्स ट्रीटमेंट है मेलाशोर जेल एजलिक एसिड ट्रीटमेंट है जब एक रूटीन में यानी आज मंडे की सुबह को मैंने चार चीजें लगा ली एसिड हमने लगा लिया, C, लगा लिया विटामिन सी उसके ऊपर चार पांच चीजें ली आपका स्किन ओवरलोड कर रहा है एक चीज समझना बहुत जरूरी है आपके स्किन के बारे में जिसपे लोग ध्यान नहीं देते कि आपका स्किन एक ऑर्गन है जैसे पेट हार्ट किडनी लिवर सारे ऑर्गन्स हैं आपका स्किन भी एक ऑर्गन है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन पूरा का पूरा बॉडी पूरी की पूरी बॉडी को होल्ड करता है ये ऑर्गन जब आप किसी भी ऑर्गन पे प्रेशर डालते हैं वो रिएक्ट करता है सो so, अगर आपने ज़्यादा कुछ खाना खा लिया एक्साइटिंग था तो ऑब्वियसली पेट खराब हो जाता है यू नो यू यू फील फुल यू फील ब्लोटेड वो आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है जो लोग ज़्यादा एक्सेसिवली ड्रिंकिंग करते करते हैं करते हैं स्मोकिंग उनको करता है। वो आपके स्किन के साथ भी so one, आपको अपने किसी भी रूटीन में चाहे वो सुबह का रूटीन हो रात का रूटीन हो कोई भी रूटीन में आपके दो से ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं होने चाहिए जैसे कि अगर आपने फेस वॉश किया आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन एंड मिलाजमा आपने फेस वॉश किया आपने टोन किया ठीक है उसके बाद आता है विटामिन सी सीरम ओके दैट्स ट्रीटमेंट नंबर वन उसके बाद आता है अल्फा एर्बुटीन ये आप स्विच कर रहे हैं आल्फाबुटीन एंड विटामिन सी ईद दो ट्रीटमेंट लगाई आपने उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगाया अब इसी का एक दूसरा वर्जन बताती हूँ जो मैंने पढ़ा है काफी जगह कमेंट्स में हमने फेस वॉश किया हमने लगाया हार्ड लॉनिक एसिड उसके ऊपर हमने लगाया स्नेलिन फिर हमने लगाया नायसिनमाइट फिर हमने लगाई विटामिन सी उसके बाद हमने लगाया आल्फारूटीन और सनस्क्रीन मतलब सोचो ये आपकी स्किन नहीं पेट है अब ये फट गई है उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है

दो ही हैं, आपको ये करना है रात के ट्रीटमेंट में भी रात के ट्रीटमेंट्स में क्या होता है हम हफ्ते में एक से दो बार exfoliate करते हैं, तो आपने salicylic acid लगाया पोर्स के लिए या आपने लैक्टिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड कुछ लगाया प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब आप कहते हैं कि यार लैक्टिक एसिड तो अमेजिंग है ग्लाइकोलिक एसिड इज आल्सो ग्रेट तो मेरे को हफ्ते में एक बार लैक्टिक एसिड लगाना है हफ्ते में एक बार ग्लाइकोलिक एसिड लगाना है हफ्ते में एक बार सैलिसिलिक एसिड लगाना है आपने क्या किया आपने हफ्ते में तीन बार अपने चेहरे को एक्सफोलिएट कर लिया विथ समथिंग विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग In addition to that, let's assume कि आप acid दिन में लगा रहे हो, वो भी हल्का-भुल्का चेहरे को exfoliate करता है। Now you are over exfoliating. भले आपका रेडनेस इरिटेशन नहीं है बट स्किन फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है सो so अगर आप केमिकल एक्सपोलियंट लगाना चाहते हैं आप चूज करेंगे लार्ज ओपन पोर्स है अगर आपको जनरली चेहरे को एक्सफोलिएट करना है टॉप लेयर को एक्सफोलिएट करना है स्किन नॉर्मल टू ड्राई है लैक्टिक एसिड नॉर्मल टू ऑयली कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोलिक एसिड स्किन पे पिगमेंटेशन है ग्लाइकोलिक एसिड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इट और अगर स्किन सेंसिटिव है तो पी एच ए टोनो सबको सब कुछ नहीं लगाना एक साथ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्किन अगर स्किन का बैरियर कॉन्स्टेंटली एक्सफोलिएट होता रहेगा तो स्किन रिपेयर मोड में चली जाती है और जब स्किन रिपेयर मोड में होती है ऑटोमेटिकली कुछ भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता बिकॉज स्किन इज बिजी रिपेयरिंग इट इतना सारा डैमेज कर दिया है अब उसे स्किन को रिपेयर भी तो करना है और जब स्किन रिपेयर मोड पे होती है स्किन पे कभी भी ग्लो नहीं आता सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुलट यूर यूजिंग कोई रूल नहीं है कि सबको सबको नहीं लग, सब सब कुछ लगाना है ऐसा कोई रूल नहीं है मेरे पास एक्सफोलिएंट्स पड़े हैं पर तो मुझे नहीं जरूरत मेरी स्किन वेल एक्सफोलिएटेड है तो मैं चौथा दिन में एक बार लैक्टिक एसिड लगा लूंगी मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसको हर हफ्ते लगाऊं स्किन केयर रूटीन कितना भी कोई कस्टमाइज कर दे मैं या कोई और

या तो स्किन एक्सेसिवली ऑयली हो रही है तो स्किन डल लगेगी या तो स्किन अगर एक्सेसिवली ड्राई हो रही है तो भी डल लगेगी बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमने सनस्क्रीन लगाया और हम अब काले लग रहे हैं कोई भी हम सनस्क्रीन लगाते हैं अब हम काले हो गए काले थोड़ी हो गए हो वो ऑक्सीडाइज कर गया आपके स्किन के ऊपर आप मतलब व्हाट डू यू थिंक यूर यू नॉट लाइक अ मिक्स ऑफ वॉटर कलर के थोड़ा सा कुछ ऐड किया तो शेड बदल गया यू नॉट लाइक अ लाइकियन राइट यू आर नन ऑफ दोंग्स यू आर ह्यूमन बींग सनस्क्रीन आपके चेहरे पे ऑक्सीडाइज कर रहा है

ग्रे मतलब वाइटिश ग्रेश अजीब सी लगती हूँ मैं होता है सबकी स्किन अलग है विच इज वाई वेन यू फाइंड समथिंग दैट इज सूटिंग योर स्किन स्टिक टू इट कोई भी रूटीन वेदर इट्स माई मेम्बर्स और माई क्लाइंट्स आई ऑलवेज से रिव्यू इन थ्री वीक्स रिव्यू इन फोर वीक्स रिव्यू इन सिक्स वीक्स मैं रिव्यू टाइम लाइन्स देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दैट यू ऑल शुड बी फॉलोइंगट रूटीन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे पहले कि हम और प्रोडक्ट्स एड कर दें कुछ और नया नजर आ गया वो खरीद लें कोई चीज भागी नहीं जा रही कोई फर्क नहीं पड़ना है आपकी स्किन डल लगेगी नाउ लेट्स कम टू द तोड़ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम सोलविंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम सोलविंग प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम सीधा ही सीधा आ जाते हैं रूटीन पे फर्स्ट आई एम गोट टू टैकल ऑयली स्किन विच इज डल ऑयली स्किन सबसे पहले सब कुछ बंद करेगी और सिर्फ फोकस करेगी क्लेंस एंड मॉइस्चराइज पे या सुबह के रूटीन में क्लेंस एंड सनस्क्रीन पे एंड रात के रूटीन में डबल एंड मॉइस्चराइज पे दैट इज इट डू दिस फॉर टू डेज उसके बाद इंट्रोड्यूस करें वो इंग्रीडियंट जो ऑयली स्किन के लिए एक मैजिकल 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 इंग्रेडिएंट है वो है नायामाइट अगर आपकी स्किन स्किन है तो 5% स्किन टॉलरेट कर सकती है तो 10% स्टार्ट यूजिंग नायाम वीकोर टू फाइव टाइम्स अ वीक किसी को कुछ नहीं कहता एट नाइट स्किन सेटल हो जाए अगले हफ्ते उसे दिन में भी लेके आए so, अब आप सेकेंड वीक में सिर्फ क्लेंस या क्लेंस नाइट सनस्क्रीन कर रहे हैं उसके बाद आप अपने रात के रूटीन में डबल क्लेंस नाइड एंड मॉइस्चराइज कर रहे हैं अब आ जाते हैं थर्ड वीक में जहां आप अपने स्किन में अपने ट्रीटमेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे सो so, अगर आप मिलाजमा हाइपर का कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं पहले हफ्ते में सिर्फ अल्फाबुटीन को इंट्रोड्यूस करें so, क्लेंस या क्लेंस के में सिर्फ नाइट को रखें और आपकी और इन सारी चीजों को लाने की जरूरत नहीं है ये आपका सॉर्ट हो गया अब आप एजलिक एसिड को इंट्रोड्यूस करें चौथे हफ्ते में वो आपने किया अब रात के रूटीन में डी मेल कोजीविट या जो भी आपके रूटीन में है एंड फाइनली रेटनॉल एक एक इंग्रेडिएंट को एक एक हफ्ता देके ओवर सिक्स वीक्स जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे यू आर ट्रेनिंग योर स्किन टू रिस्पॉन्ड बेटर और अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन हो रही है स्किन डल लग रही है वो आपकी स्किन का एसओएस सिग्नल होता है एसओ एस सिग्नल मतलब स्लो डाउन स्टॉप इट और रिव्यू एंड रिवाइज एंड दैट इज वॉट यू विल डू इससे आपकी स्किन कभी भी डल नहीं लगेगी और जहां बात आती है सनस्क्रीन लगा के स्किन डल लग रही है गाय सनस्क्रीन बहुत सारे लोगों पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है आई फाइंड कोरियन सनस्क्रीन टू बी वन ऑफ द बेस्ट जो सबसे कम ऑक्सीडाइज करते हैं सो यू नीड टू फाइंड द वन दैट योर स्किन ट्रूली ट्रूली एंड अप लविंग there are so many affordable ones in the market so many under 500 i have done a whole video on it you can go and check that out now let's say aapki skin dry hai dry hai aur bahut dull lag rahi hai obviously dry skin dull hi lagti hai this is going to be your routine Dry dull skin कभी भी अपने स्किन रूटीन को इतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकती so, आपका रूटीन होगा cleanse. एंड यू विल हैव टू यूज अटिंग सेरम इन द मॉर्निंग सो इट कैन बी हार्लॉनिक एसिड इट केन बी हेल्यू जेल इट केन बी स्नेल म्यूसिन तीनों नहीं तीनों में से एक इसे आप लगाएंगे डैम्प चेहरे पर उसके बाद मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद अपना सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर की है इफ यो स्किन इज ड्राई डू नॉट स्कीप इट लेकिन अगर आपका सनस्क्रीन बहुत थिक है यू कैन स्कीप इट दैट इज अ डिसीजन यू विल है ठीक है एंड ये रूटीन आप फॉलो करेंगे सुबह एंड शाम यू विल जस्ट मेक श्योर दैट आपकी स्किन कॉन्स्टेंटली हाइड्रेटेड है रात के रूटीन में अगर तो आपके स्किन पे पीलिंग हो रही है वाइट पैचेस दिख रहे हैं ड्राईनेस जो यूजली यहां होती है तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद बहुत थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली या वैसलीन आप अपने इधर एरियाज पे लगाएंगे जहां आपको पीलिंग होती है ताकि वहां आपका वाटर लॉस ना हो एंड दट ऑल यू विल डू फॉर अ वीक विद इन अ वीक आई प्रोमिस यूर योर स्किन इज गोइंग टू बी ग्लोइंग टू द गॉड

अभी तक आपने अपने विटामिन सी डीमेलिन किसी भी चीज को वापस नहीं लेके आए हैं आप सिर्फ हाइड्रेट एंड एक्सफोलिएट कर रहे हैं हाइड्रेशन एंड एक्सफोलिएशन इज इंपोर्टेंट बिकॉज नाउ आपका जो हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं बेटर पेनिट्रेट करेंगे आपके स्किन के अंदर सो डू दैट फॉर अ वाइल्ड एंड उसके बाद इंट्रोड्यूस करें अपने ट्रीटमेंट सो इफ योर ट्रीटमेंट इज आल इंट्रोड्यूस दैट इफ योड्यूसर ट्रीटमेंट पेप्टाइड इंट्रोड्यूस दैट जिन जिनकी ड्राई स्किन रूटीन होती है उन्हें मैं हाईली रिकमेंड करती हूं फॉलो द हर मेथड हाइड्रेट एक्सफोलिएट रेटनॉल दैट इज वॉट यू शुड बी फॉलोइंग एंड हर मेथड पे मैंने बनाई है डेडिकेटेड वीडियोज इन विच आई हैव इवन शोन हाउ यू कैन एक्चुअली गो एंड हाइड्रेट योर स्किन प्रॉपरली एंड जिन जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए हाइड्रेशन इज की मैं उस वीडियो को लिंक करूंगी गो हैर एंड वॉच इट वीडियो पसंद आई डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल मैं आपसे मिलूंगी कल विद ना वीडियो टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ बाई